नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूबॉन की तरफ से आने वाले एक धमाकेदार वायरलेस हेडफोन की, जिसका नाम है इकोनॉमी सीरीज और जिसका मॉडल नंबर है HP60। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इस हेडफोन को हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने से पहले इसके कुछ बेसिक फीचर्स और हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर यूबॉन की ब्रांडिंग, नीचे इनकी टैगलाइन बर्न टू बी फ्री, साइड में इनका लोगो है। यहां पर देख पा रहे होंगे आप इस हेडफोन का एक लुक दिया गया जो कि देखने में काफी शानदार लगता है। साथ ही साथ यहां पर इसका मॉडल नंबर और नीचे इसका नाम है। यहां पर टाइगर श्रॉफ की एक फोटो दी गई जो कि इस हेडफोन को पहने हुए हैं। यहां पर भी कुछ इसकी डिटेल्स दी गई है कि जैसे वायरलेस हेडफोन है ये, 8 आवर्स का बैकअप इसमें हमको मिलता है। बॉक्स के साइड में भी कुछ इसकी डिटेल्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 8 आवर्स का प्ले टाइम वायरलेस हेडफोन है ये, मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, एफएम रेडियो भी है इसमें, बिल्ट इन माइक्रोफोन, कंट्रोल बटन और सॉफ्ट कुशनिंग इसमें दी गई है। बॉक्स के पीछे भी सेम चीज है जो बॉक्स के फ्रंट में थी। और यहां पर बॉक्स के इस साइड इसकी कुछ प्राइसिंग दी गई जो कि 1999 रुपए, लेकिन मार्केट में आपको ये लगभग 700 से 800 के बीच में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा इसमें तीन वेरियंट आते हैं, तीन कलर वेरियंट आते हैं, रेड, येलो और ब्लैक। मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर का है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और करते हैं इसका रिव्यू, देखते हैं कैसा है हमारा ये हेडफोन और कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक एक्सेसरीज पाउच। तो चलिए इस पाउच को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसमें एक हमारा यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है जिसके थ्रू हमारा ये हेडफोन चार्ज होगा। और मिल जाते हैं कुछ इसके यूबॉन के प्रोडक्ट के लिस्ट और उनकी डिटेल्स, और इसमें मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल। इन सबको हम लोग साइड में कर लेते हैं और अब बात करते हैं अपने इस वायरलेस हेडफोन की। फ्रेंड्स हमारा ये हेडफोन पूरा ब्लैक कलर का है और ये काफ़ी लाइट वेट हेडफोन है, देखने में भी काफ़ी ठीक ठाक लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बर्न टू बी फ्री जो कि इसकी टैगलाइन है वो मेंशन की गई है। और ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है इस हेडफोन के चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पर हेड के साइड कोई कुशंस नहीं दी गई, यहाँ पर भी हमारा प्लास्टिक मटेरियल है। बट आपको बताना चाहूँगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक हेडफोन है ये, और इसके जो ईयर मफ्स है उसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक यूनिक शेप दिया गया है इसको। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे यूबॉन की ब्रांडिंग है और उसका लोगो है। जस्ट इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है हमारी पावर ऑन की बटन और उसके जस्ट बगल में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और ये है एलईडी इंडिकेटर। एक चीज़ फ्रेंड्स बता दूं आपको, इसमें ना ऑक्स का पोर्ट है ना ही मेमोरी कार्ड का पोर्ट है जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया था, बट इसमें कोई ऐसा पोर्ट नहीं दिया गया है। हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन दिया गया है दोनों ही साइड। और मैं आपको बता दूं ये हेडफोन के जो ईयर मफ्स हैं वो फोल्ड नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया कि इसे फोल्ड किया जा सके, बट ये है कि आप इसको अपने हेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स इसे मैंने ऑन कर लिया और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। आपको बताना चाहूँगा पावर बटन को आप 2 सेकंड पुश करते हो तो ये ऑन हो जाता है और यहाँ पर हमारी ब्लू जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगती है। जैसे ही आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हो तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है। अब मैं आपको इसमें सॉन्ग को प्ले करके सुनाता हूँ और चेक करता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पर मैं सर्च करता हूँ। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क काफ़ी स्लो है और मैं आपको सुनाना चाहूँगा इसमें। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा साउंड क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है और जैसे एक अच्छे हेडफोन की होती है सेम उस तरह की साउंड क्वालिटी यूबॉन ने इसमें प्रोवाइड कराई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपने इसको माइक के थ्रू इसके साउंड को सुना है तो हो सकता है आपको कम समझ में आया, बट ओवरऑल इसका साउंड इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेटर है। क्वालिटी की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकती थी इस हेडफोन में, बट इसके प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन इसके प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। ओवरऑल ये हेडफोन काफ़ी अच्छा है और 700-800 तक के रेंज में जो आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है बच्चों के लिए, उसके लिए काफ़ी बेस्ट हेडफोन है। जिसका बजट बहुत कम है उसके लिए भी ये हेडफोन काफ़ी अच्छा है।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।